हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सैटरडे की ये दोपहर आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और काफ़ी लोगों ने बाहर घूमने का भी प्लान बनाया होगा। तो दोस्तों, आज हम एक चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं, पेनी स्टॉक्स। देखो, पेनी स्टॉक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा घूमते रहते, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाइप बनाई जाती है उनके बारे में, प्रमोटर्स बेच के निकल जाते हैं। तो पेनी स्टॉक्स को चूज कैसे करते हो आप लोग, मुझे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो के कमेंट के अंदर बताना कि आप लोग कैसे चूज करते हो पेनी स्टॉक्स, या आप अवॉइड करते हो पेनी स्टॉक्स को, क्या पेनी स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए? सस्ता दिख रहा है तो ले लेते हैं, 50,000 शेयर ले लेते हैं, 1,00,000 शेयर ले लेते हैं, 10,000 शेयर ले लेते हैं, 20,000 शेयर ले लेते हैं कंपनी का, ऐसा करते हैं आप लोग? तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्राइटेरिया जहां पे हमको देखना चाहिए किसी भी पेनी स्टॉक में एंट्री करने से पहले। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं पेनी स्टॉक्स को। ये कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है 351 CR, ये मार्केट कैप लिखी हुई है 351 CR। स्टॉक का पी आप देखेंगे 11.5 है, इंडस्ट्री का पी 31.8 है, तो इंडस्ट्री के पी से काफी अच्छा पी है। हालांकि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिलो 10 है, रिटर्न ऑन इक्विटी बिलो 10 है, 7.41 है। कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड भी देती है। पहले देखते हैं इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर्स होल्डिंग है 62% के आसपास, और अच्छी बात क्या है कि यह कंपनी ने एक भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है। और अच्छी बात, डेट टू इक्विटी 0.01, जितना ये जीरो के पास होगा उतना ही अच्छा है। ये हमेशा नोट करना, डेट टू इक्विटी हमेशा चेक करना कि ये कितना है। करंट प्राइस 15 रुपीज है, बुक वैल्यू 17 रुपीज है, जो इसकी बुक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है शेयर आपको, तो कोई इशू नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 रुपए से कम है, सस्ता मिल रहा है, अच्छा है। ग्राम नंबर देखेंगे तो ग्राम नंबर से नीचे चल रहा है प्राइस, तो ग्राम नंबर आप हमेशा देखना है, ग्राम नंबर प्राइस के आसपास हो, करंट प्राइस के आसपास हो, तो वो अच्छा स्टॉक है। हाँ, ये प्रोस की जो स्कोर है इसका वो 4 है। इसको अगर ये और अच्छा अट्रैक्टिव लगता, अगर ये 7-8 होता, 6 होता, तो वो और भी अट्रैक्टिव लगता। हम बात करें दोस्तों सुकमा एक्सपोर्ट्स की। सुकमा एक्सपोर्ट्स इन अगेन बाइंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्टिंग बल्क एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक शुगर, एबाइड ऑयल, ऑयल सीड्स, पर्ल्स, कॉटन, इन चीजों के एक्सपोर्ट के बिजनेस में काम करती है कंपनी की। मार्केट कैप आपने देख लिया, 351 सीआर की मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, माइक्रो कंपनी है। उसके अगेंस्ट आप देखेंगे कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है, 2.41 डेट टू इक्विटी हमने देखा, बहुत ही कम रेशियो है। कंपनी के रिटर्न आप चेक कर सकते हो, पिछले दो एक साल में करीबन 24% के रिटर्न है, और तीन साल में 29% के रिटर्न है। इंडस्ट्री पी से सस्ता मिल रहा है, छोटा कंपनी है, और बुक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है, तो ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कौन कौन से पैरामीटर आप यूज करते हो वो भी मुझे आप बताना कि, और क्या क्या पैरामीटर आप देखते हो किसी स्टॉक को बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। देखो, लॉन्ग टर्म की बाय है पेनी स्टॉक्स, तो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं। इसमें कुछ समय लगेगा, बट जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, सपोज करो आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, बट जो 1,00,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू भी तो मिलनी चाहिए ना आपको। इतनी आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के बदले में आप क्या मिलता है, वैल्यू मिलती है ना, तो क्या कंपनी उस चीज को वर्थ करती है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक पैरामीटर, ये भी आप अपने लिस्ट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। कंपनी देखो 31 CR की कंपनी है, 31, करंट प्राइस 51 रुपीज चल रहा है, कभी इसका हाई 91 रुपीज था और लो 34 रुपीज था। स्टॉक की पी देखेंगे आप तो नेग्लिजिबल टाइप है, ये 1.82 का पी, जबकि इंडस्ट्री का पी 26% है। बहुत ही अट्रैक्टिव चीज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.5, रिटर्न ऑन इक्विटी 38.4, तो बहुत ही अट्रैक्टिव है ये, थम है, थम्स अप है, स्टॉक को ऐड कर सकते हो, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बुक वैल्यू
80.7 है, बुक वैल्यू से कितना सस्ता मिल रहा है अपने को ये, जिसका फेयर वैल्यू है 80 रुपीज है बट स्टॉक मिल रहा है 51 पे, तो सस्ती चीज मिल रही है ना डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंट की देखो, दिवाली पे सेल आती है, फेस्टिवल पे सेल आती है, तो आप चीजें खरीदते हो ना, तो ये एक वैल्यूड कंपनी है जिसको जो आपको डिस्काउंट में मिल रही है। और चीजें देखते हैं, पहले देखते हैं प्रियोस्की स्कोर। प्रियोस्की स्कोर 6 है, काफी अच्छा है। देखो प्रियोस्की स्कोर अगर 8 और 9 है तो वो कंपनी बहुत ही अच्छी है। 7 है अच्छी है, 6 7 है अच्छी है, कंसीडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो ये चीज भी, इसको भी कंसीडर कर सकते हो। ग्राउंड नंबर बहुत ऊपर है, 51 ग्राउंड नंबर बहुत ऊपर है, तो सोचो कि ये कंपनी बड़े डिस्काउंट में मिल रही है आपको। पिछले साल का नेट प्रॉफिट है 17 करोड़ रुपए, प्रमोटर होल्डिंग है 69.10, प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर ने कोई स्टॉक प्लेज करके नहीं रखा हुआ है, अच्छी बात। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको देखते रहना चाहिए किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। की कोप लिमिटेड रजिस्टर्ड एज ए नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी इन आरबीआई, आरबीआई के साथ एसोसिएशन, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करती नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, पैसा लोन पे देती है। देखो सबसे बढ़िया धंधा क्या है, सबसे बढ़िया धंधा क्या है, लोगों से एफडी लेते हैं 5% 6% पे। बैंक बैंक के बारे में बता रहा हूँ आपको, बैंक क्या करता है, आपसे 5% 6.5% ले लिया है पैसा, उस पैसे को दूसरे लोगों को लोन पे दे दिया 15% पे, 18% पे, नेट कितना बच गया, वो उनकी अर्निंग है। जो आपको देते हैं उससे ज्यादा अर्निंग बैंक लेता है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, आप कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दूंगा, आप भी एफडी कर सकते हो 12% पे। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ूंगा, अगर किसी को भी एफडी करनी है, मिनिमम 1 ईयर एफडी, 12 टेन्योर है 12 मंथ का, और आपको 12% के रिटर्न्स मिल सकते हैं, वो मैं आपको रास्ता बता दूंगा। जो भी कॉन्टेक्ट करना चाहिए उनको मैं अपडेट कर दूंगा। बात करते हैं आज के वीडियो की, अभी पेनी स्टॉक्स। तो ये कंपनी है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। की कोप लिमिटेड 51 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छी अट्रैक्टिंग वैल्यू पे नजर आ रहा है स्टॉक, कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप है छोटी, 22 करोड़ रुपए, 22 करोड़ के अगेंस्ट इसके ऊपर डेट कितना है, बुक वैल्यू भी देख सकते हो आप, इसकी पी देख सकते हो 11.6, इंडस्ट्री का पी से बहुत नीचे है, आधे से भी नीचे है। प्रमोटर होल्डिंग 73% है, प्रमोटर ने कोई भी स्टॉक प्लेस नहीं किया हुआ है। डेट टू इक्विटी कंपनी के ऊपर डेट है थोड़ा सा, 34 लैक्स का, तो डेट टू इक्विटी आप चेक कर सकते हो, जितना ये जीरो के नजदीक होगा डेट टू इक्विटी उतना ही अच्छा है। तो ये डेट टू इक्विटी 0.02 है, अच्छा है, टिक करते हैं ना हम टिक मार्क के, हाँ ये चीज है अच्छा है। प्रियोस्की स्कोर 8, तो बहुत ही अट्रैक्टिव है सर, प्रियोस्की स्कोर एक 8 होना और 9 होना इज हाईली वैल्यूड चीज, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड कर सकते हो दोस्तों, बट अपने एनालिसिस करने के बाद। ये मैं अपने एनालिसिस बता रहा हूँ कि आपको ये ऐड करना चाहिए नहीं करना, इस पे डिसीजन आपको लेना चाहिए दोस्तों। ग्राम नंबर 23.8, आप देख सकते हो कि 22 इसका प्राइस चल रहा है, 23.8 कितना नजदीक है ग्राम नंबर को, ये एक अट्रैक्शन देता है, अट्रैक्शन बनाता है। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट है इसका 1.92 CR, तो प्रॉफिट काफी अच्छा, कंपनी का प्रॉफिट दिया है और उसके साथ में कंपनी ने लोगों को डिविडेंड भी दिया है, भी पैसा बनाया तो पैसा शेयर भी किया अपने शेयर होल्डर्स के साथ, तो बहुत ही अच्छी चीज है। स्टॉक अभी 21 रुपीज पे चल रहा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। नेक्स्ट हो गए कंपनी की मार्केट कैप बताते हैं, 199 CR कंपनी की मार्केट कैप के बाद इसकी पी देखते हैं, 14.5 का पी है, इंडस्ट्री पी 26.4 है, तो इंडस्ट्री की पी से बहुत ही अच्छी पी है स्टॉक की। कंपनी के ऊपर डेट भी है 32.4 का, 32.9 CR का, तो डेट टू इक्विटी आप चेक कर सकते हो कि कितना है, 0.27, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग आप चेक कर सकते हो, प्लेज नहीं किया हुआ एक भी स्टॉक, प्लेज नहीं किया हुआ एक भी स्टॉक, प्रमोटर होल्डिंग 30 के आसपास है।
इसका पियोस्की स्कोर 8 है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। ग्राम नंबर इसकी कोस के बिल्कुल पास में है, 25.4। पिछले साल नेट प्रॉफिट था इनका 13.7 CR, तो पैसा बनाया है कंपनी ने, बना के डिविडेंड नहीं दिया लोगों को, जो इसके शेयर होल्डर्स उनको दिया नहीं है पैसा। कंपनी उस पैसे को क्या कर रही है, यूज कर रही है ग्रोथ में, तो ये अच्छी चीज है। कंपनी करती क्या, कंपनी ना फार्मास्यूटिकल्स के इंस्ट्रूमेंट्स में आती है, और आप मान के चलिए ये जो कंपनी है ना फार्मास्यूटिकल्स इंस्ट्रूमेंट, इनका ना जो मार्जिन परसेंटेज है बहुत ज्यादा मार्जिन परसेंटेज होता है, जैसे दवाइयों में ना बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, उसी तरीके से इनके इंस्ट्रूमेंट्स में भी बहुत अच्छा मार्जिन होता है। तो ये काफी अच्छा मार्जिन बना रहे हैं, काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं, आप भी इनके साथ जुड़ के पैसा बना सकते हो। कंपनी का नाम क्या है, अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेस लिमिटेड, 26 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रही है, आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है आज के दिन का, इस वाली वीडियो का लास्ट स्टॉक, फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। फिलाटेक्स इंडिया की आप मार्केट कैप चेक करेंगे, 21,000 की, 2,146 करोड़ की कंपनी है। इंडस्ट्री पी 9.50, कंपनी का पी 8.75 है, इंडस्ट्री के पी से फिर भी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अट्रैक्टिव, 35.3। रिटर्न ऑन इक्विटी 32.7, बहुत ही अट्रैक्टिव है। बुक वैल्यू 47 है, बुक वैल्यू से डबल रेटिंग के करीबन चल रहा है, ये चल जाएगा। पियोस्की स्कोर 7, फेयर है, गुड है। ग्राम नंबर 108, प्राइस करंट प्राइस के पास में है। 2100 करोड़ की कंपनी है, थोड़ा सा डेट भी है, 373 करोड़ का डेट टू इक्विटी आप चेक कर सकते हो, 0.3। कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 245 CR का प्रॉफिट बनाया है, तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज डेट को क्लियर करने में भी कर देगी कंपनी। कंपनी ने साथ में आपको डिविडेंड भी दिया 4.5 CR का, तो कंपनी काफी अच्छे प्रॉफिट में भी है, और कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपीज है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। पे उसकी स्कोर, ग्राम नंबर देख के, आरओई देख के, आरओसी देख के, करंट कंपनी का मार्केट पी देख के, कंपनी करती क्या है, सिंथेटिक यार्न, टेक्सटाइल सच एज पॉलिस्टर चिप्स, नैरो फैब्रिक्स, तो ये कपड़े के बिजनेस में है। आप चेक करेंगे तो इनके ना पूमा वगैरह ये कंपनियां है, ये इनके वेंडर है, वो जो सामान यार्न लेते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में इन कंपनीज को ऐड कर सकते हो। मेरी किसी स्टॉक के लिए ना पर्सनली बाय रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में इनको ऐड कर सकते हैं, बट मैंने पैरामीटर्स बताए हैं, उन पैरामीटर्स को आप चेक कर सकते हो, उन पैरामीटर के ऊपर बहुत ही अच्छे बैठ रहे हैं ये स्टॉक्स, और इनको कंसिडर कर सकते हो। कंसिडर करने से पहले अपने एनालिसिस कीजिए दोस्तों, एनालिसिस करके मुझे बता सकते हो कि क्या पैरामीटर हमको भी रखना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वो पैरामीटर रखें, कि क्रॉस चेक करके देखेंगे उसको कि वो पैरामीटर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बट मैंने आपको जो डेफिनेटली यूज करने वाले पैरामीटर है कि ये तो ये करने ही चाहिए, किसी को मिस नहीं करना चाहिए, वो पैरामीटर हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये स्टॉक्स आपको अच्छे लगे होंगे, स्टॉक आइडिया, तो वीडियो के कमेंट में जाके जरूर अपडेट करें कि आपको ये स्टॉक्स कैसे लगे, क्या आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं। हो सकता है कि बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हों पहले से ही, क्योंकि चीज अच्छी है, हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही हो। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, आपसे फिर मुलाकात करेंगे शाम में। हैव ए वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलेंगे, हैव ए वंडरफुल टाइम।